इन MBBS इन कजाकिस्तान, प्लीज कॉन्टैक्ट फोन 8949841684। महिला स्वावलंबन सहित पर्यावरण संरक्षण को लेकर प्लास्टिक मुक्त भारत के सपने के तहत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने इको फ्रेंडली बैग सहित अन्य उत्पाद बनाने के लिए वृहद स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए हैं। भरतपुर में नाबार्ड के द्वारा सूक्ष्म उद्यम विकास कार्यक्रम के तहत संस्थाओं के माध्यम से स्वयं सहायता समूह की सैकड़ों महिलाओं को जिले भर में ग्रामीण स्तर पर कैंप लगवाकर जूट सहित सरकंडे के उत्पाद बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे महिलाएं जूट के बैग, कैरी बैग, हाउसवाइफ, सरकंडे के मुड्डे, टेबल, कुर्सी सहित अनेक उत्पाद बनाकर सूक्ष्म उद्यम स्थापित कर आत्मनिर्भर बन सके, अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में सक्षम बन रही है। समूह की महिलाओं को समय समय पर ट्रेनिंग के साथ साथ निश्चित मानदेय और निःशुल्क भोजन भी संस्था की तरफ से दिया जाता है। साथ ही कामगार महिलाओं के लिए कच्चे माल और उनके उत्पाद की मार्केटिंग के लिए पूरी मदद संस्था की तरफ से की जा रही है, जिससे महिला अपने घर पर रहकर भी काम कर आर्थिक रूप से सुदृढ़ बन अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर पा रही हैं। हम सीख चुके हैं, कुछ आगे भी बताएंगे, तो हमने ये सोचा है कि हम इससे बना के कुछ कर सकें। हम किसी के आसर तो नहीं रहेंगे, बच्चों का खुद का खर्चा उठा सकते हैं, पति के सास ससुरन के आसर तो नहीं रहेंगे हम। धन्यवाद। महिलाएं बड़ी उत्सुकता के साथ और एक आत्मनिर्भर बनने की कड़ी में जुड़ते हुए और अच्छा सीख रही हैं। संस्था इनकी पूरी सपोर्ट करेगी, जब ये अपने उत्पाद बनाएंगी उनकी मार्केटिंग करवाना और इनको कच्चा माल उपलब्ध करवाना, ये सब सपोर्ट संस्था इनकी पूरी तरह से करेगी, जिससे कि महिलाएं 4 पैसे कमाएं और खुद आत्मनिर्भर बने, किसी पर आश्रित नहीं रहें। वैसे आपकी कमाई होगी और इन्होंने आपको सिखाई दिया, इनकी हेल्प से आप लोन वगैरह भी ले सकते हो, जो सर्टिफिकेट दिया ना, तो लोन लेके आप बड़े उस पर जैसे 4 लोग मिलके और इससे गांव की पहचान भी हो जाएगी, धीरे धीरे तो बाहर भी माल सप्लाई कर सकते हो, है ना। बाकी कोई भी मदद चाहिए तो जैसे मुझसे भी मेरा नंबर ले लेना, कोई भी हेल्प चाहिए किसी भी तरीके की। और अपने हैं ही NGO वाले सुरेंद्र जी, जिन्होंने आपके लिए बहुत ही अच्छा 15 दिन में इतने अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर कर दिया है कि आप पूरे लाइफ टाइम के लिए अपना रोज़गार बना सकते हो। और जैसे कि अभी तो आप लोगों के पास काम है, बाकी गर्मियों में फ्री रहते हो, अपने 2-2 पीस बनाए, बट इसको प्रैक्टिस में रखना है, एक बार बोलने के बाद शायद फिर बुनाई का रहता है क्या करना है क्या नहीं करना है। एक एक अपने पीस बना के रख लो, जैसे भूल भी जाए तो भाई कैसे बनाया था उसको देख के याद आ जाएगा उस हिसाब से। और आप लोग अपना रोज़गार खोलो, आपकी ये खेती और इससे ज़्यादा पड़ेगा, आप लोगों को अभी किया नहीं है, स्टार्टिंग है, इसलिए जब हो जाएगा ना परमानेंट, तो जैसे बाहर सप्लाई होने लग गया तो एक एक पीस की आपको अच्छी वैल्यू मिलने लग जाएगी, इस हिसाब से आपकी इनकम बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा। और बच्चों की पढ़ाई लिखाई में हर तरह से आप भी जैसे जेंट्स करते हैं वैसे। नाबार्ड स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण, उनके उत्पादों के मार्केटिंग के लिए दूसरे राज्यों में भेजना, मेले लगाना, ये सब काम करता है। इसी एक कड़ी में नाबार्ड अपने सूक्ष्म उद्यम विकास कार्यक्रम के तहत चेचाना गांव में 30 महिलाओं के लिए 15 दिवसीय जूट उत्पाद पर प्रशिक्षण करा रहा है। उसमें महिलाएं जो है जूट से निर्मित उत्पाद पर प्रशिक्षण ले रही हैं, और क्योंकि 1 जुलाई से जो प्लास्टिक की थैली बंद हुई है उसके बाद जो जूट की डिमांड बढ़ी है, तो उस डिमांड को देखते हुए हम महिलाओं को ये प्रशिक्षण दे रहे हैं जूट के बैग और ये सब चीज़ें उत्पाद बनाने के लिए, जिससे महिलाएँ अपना खुद का उद्यम लगा सकें, उनको स्वरोजगार मिलेगा और इससे महिलाएँ आत्मनिर्भर होगी, ग्रामीण विकास में एक बड़ी भागीदारी होगी। कुछ काटें कुछ क्या, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज की डेट में महिलाओं को आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है, और स्वयं सहायता समूह एक ऐसा माध्यम है जिसके यूज़ करते हुए महिलाओं को आत्मनिर्भर होने का बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे फर्नीचर सरखंडी जो भी लकड़ी है उससे फर्नीचर बनाने का कार्य है। ऐसे आप देख सकते हो कि ट्राइबल एरिया में भी सीताफल के जो फाइबर्स है वो फ्लेवर्स बनाते हैं, और मधुमक्खी पालन करके शहद बनाते हैं, और दूध का भी प्रोडक्शन करते हैं। तो इससे क्या है, उनका आमदनी बढ़ेगी और साथ में
जो घरेलू जो इनकम है हाउसहोल्ड इनकम बढ़ेगा और सक्षम खुद सक्षम होंगे, अगर महिलाएं सक्षम होंगे तो फिर उनके बच्चे सक्षम होंगे, पढ़ाई में उनको आगे बढ़ाने का बढ़ने का मौका मिलेगा। जैसा कि एक प्रोवर्ब है कि एक महिला पढ़ी सात पीढ़ी तरी, तो अगर एक महिला आगे आएगी तो उसके पूरा परिवार का उद्धार होगा और उनके डेवलपमेंट होगा। तो राजीविका द्वारा नाबार्ड द्वारा जो ये काम कर रहे हैं तो ये बहुत ही सराहनीय है, इससे ग्रामीण एरिया में जो भी महिला है ये सशक्त होंगे और इससे हमारे जो इकोनॉमी है वो भी आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। ये थे पंचायत।